अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा इंतज़ार कर रहे थे? देखा, मैं आ गई। कल क्या किया था? वीडियो देखी थी, कलरिंग भी कर ली थी, सारे काम कर लिए थे। टीचर को भी भेज दिया था। अरे वाह भाई, शाबाश। तो फिर आज क्या करें? आज ऐसा करते हैं, कोई मज़ेदार सी एक्टिविटी करते हैं, कोई मज़े का गेम खेलते हैं। कहानी सुनने को दिल चाह रहा है? चाह रहा है? मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मज़ेदार सी कहानी सुने, है ना? चलें आज कहानी सुनते हैं। कहानी कौन सी होगी? कौन सी कहानी सुने? अच्छा मुझे ये बताइए कि जब छुट्टियां होती हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नानी के घर बिल्कुल जाते हैं। और घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? बाग में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? जो सब मिलकर जाते हैं, हाँ, पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक पे। वेरी गुड। तो आज जो हम कहानी सुनेंगे ना, वो हम एक पिकनिक की सुनेंगे पिकनिक की, कि बहुत से दोस्त जो हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन है जो कि पिकनिक पे जा रहा है। ठीक है, चलिए जी। ये देखें, ये कितनी बड़ी सी एक गाड़ी है ना। इस गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है? देखें, बिल्ली बैठी है, बंदर, बत्तख। वेरी गुड। और कौन कौन है भाई यहाँ पे? तीतर भी है। और यहाँ पे कौन है? टॉम भी है। वेरी गुड। पंखा भी रखा हुआ है, तितली भी है भाई, और यहाँ पे एक बॉल भी है, गेंद भी है। वेरी गुड, जबरदस्त, क्या मजेदार सी चीज है भाई। और ये देखें, समंदर भी है भाई, वाह कितना बहुत सारा पानी है। और यहाँ पे तो हाथी साहब भी बैठे हैं। और बहुत से फ्रूट्स हैं, फल भी रखे हुए हैं। वाह यार कितना मज़ा आ रहा है भाई, इनको तो बड़े मज़े की पिकनिक लग रही है। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है पिकनिक पे जाने का, है ना? अभी नहीं जाते, बाद में चलेंगे, अभी कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनेंगे? वेरी गुड। चले खामोशी से ये कहानी सुनिएगा, क्योंकि कहानी के बाद मैं आपसे छोटे छोटे से तीन सवाल करूँगी। छोटे छोटे से करूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं करूँगी। और जब आप कहानी गौर से सुन लेंगे ना, तो आपको कहानी के आखिर में उसका जवाब भी आ जाएगा। ठीक है, चलें कहानी सुनते हैं। एक दिन बिल्ली, बंदर, बत्तख, तितली, तीतर और टॉम ने प्रोग्राम बनाया कि पिकनिक पर चलते हैं। बिल्ली बोली, मैं तो अपने लिए खूब सारी बोटी रखूंगी। बंदर बोला, मैं तो बहुत सारी बोतल रखूंगा। तितली और तीतर ने कहा, हम तो तरबूज रखेंगे। और इतने में टॉम और ट्यूटी भागते हुए आए और कहने लगे, इस टोकरी में बहुत सारे टमाटर और प्याज हैं, ये भी रख लो। लेकिन सब ने कहा, जाएंगे कैसे? तो इतने में इन्हें आवाज आई, गर गर गर। जो देखा तो एक ट्रक आ रहा था। सब खुश हो गए, बिल्ली, बंदर, तीतर, तितली, टॉम, सब जोर जोर से आवाजें लगे तो ट्रक आ गया। वो लोग इसमें बैठ गए और खुशी खुशी जाने लगे कि अचानक एक बड़ी सी टहनी टूटकर ट्रक के सामने गिर गई, धड़ाम। ट्रक ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई और ट्रक रुक गया। सारे टमाटर और प्याज भी टोकरी से गिर गए। सबने जल्दी जल्दी टमाटर और प्याज टोकरी में डाले और टहनी को हटाया। और फिर वो लोग दोबारा ट्रक में बैठ गए और एक बहुत बड़ा सा बाग था, वहां पहुंचे। बाग में एक पलंग भी था और पंखा भी रखा था और प्यारे प्यारे से परिंदे भी थे।
तीतर, बंदर, बिल्ली सब बहुत खुश हो गए। सब पलंग पर बैठ गए और पंखे की हवा खाने लगे। गर्मी थी ना। थोड़ी देर में आसमान पर बादल आ गए। मौसम बहुत अच्छा हो गया। वहां पर पानी भी था। वो सब इसमें नहाने लगे। खूब मजा आ रहा था। टॉम तो बाल्टी में पानी डालकर नहाने लगा, लेकिन ट्यूटी बहुत उदास थी। उसको टीवी देखने का दिल चाह रहा था। सब ने कहा, जब हम घर जाएंगे तो तुम टीवी देख लेना। भाई यही बात है ना, सही है और क्या। आओ पहले नहा लो। तो ट्यूटी नहाने चली गई। छप छप छप, इसे बहुत मजा आ रहा था। फिर सबको भूख लगी तो उन्होंने प्याज और टमाटर की सलाद बनाई और तरबूज काटा और खूब मजे से खाया। अरे वाह, कितना मजा आया ना, कितना एंजॉय किया इन लोगों ने पिकनिक पे। अब जरा मुझे ये बताइए कि किसने कहा था कि हम तरबूज रखेंगे। वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि हम तरबूज रखेंगे? कौन, किसने कहा था? वेरी गुड, तितली और तीतर, शाबाश। अच्छा जी, अब बताइए कि ट्रक के आगे क्या गिर गया था, क्या चीज गिर गई थी? वेरी गुड, टहनी गिर गई थी। अच्छा जी, और बताइए कि ट्यूटी जो है वो क्यों उदास थी, क्यों उदास थी? उसका टीवी देखने को दिल चाह रहा था। शाबाश, आपको तो पूरी कहानी याद है भाई, जबरदस्त। अब आपने क्या करना है, इस कहानी को, इस वीडियो को बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? और फिर घर में अपने किसी बड़े को सुनाना है। फिर टीचर भी आपको कॉल करेंगी ना, आप टीचर को भी अपनी ये कहानी सुनाइएगा कि इसमें, इस पिकनिक में कौन था, किसने क्या किया था, ठीक है? थैंक यू। We'll be right back.